सर पास ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैंने डेली फेसबुक पे इनका पोस्ट देख रहा हूँ। सर आप बताएंगे कि क्या आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इसका पीछे कारण क्या, क्या आपको इसके पीछे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है या कुछ कि जितना नुकसान युवाओं को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं अग्निवीर का नाम से जो 4 साल का जो युवाओं को आर्मी में ज्वाइन करा के 4 रिटायर करके उसे बेरोजगार कर रहा है, ये कहीं ना कहीं युवाओं को जो है ठेस पहुंचाने वाला चीज़ है जो कि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो अग्निवीर है इसको परमानेंट जॉब के लिए काम करेगी, 30 लाख रोजगार देने का, नौकरी देने का वादा की है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को भी लेकर चली है, अगर जो जनगणना होना था 2021 में वो नहीं हो पाया, जनगणना कराएगी और उसके बाद उसका जितना आपका अधिकार है वो अधिकार देने काम करेगी, खासकर गरीब औरतों को सालाना 1 लाख रुपये देने काम करेगी। उसके अलावा आधी आबादी पूरा 50% आरक्षण का बात की है कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए, तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ क्यों ना जाएं। देश में जो माहौल अभी है नफरत का माहौल है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, यहाँ पे जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे। हम तो वही ढूंढेंगे जो हमारे देश को, समाज को उन्नति की तरफ, मोहब्बत की तरफ, सुकून की तरफ, अच्छी जिंदगी की तरफ मेहनत कर रहे हैं। ये देश हमारा है और देश को बचाना हमारा कर्तव्य है। जैसे कि आप लोग सप्ताह से ज़्यादा से देख रहे हैं कि सर्वे कर रहे थे, यूपी का सर्वे में क्या निकलता है कि लोग वोट करने के लिए तो बाहर आएंगे इतने लोग में। देखिए पहले तो लग रहा था कि हमारे समाज लोग मानेंगे नहीं, लेकिन बहुत से बुद्धिजीवियों का साथ बैठे बैठक हुई, लोगों को हम लोग भी गए समझाएं कि देखिए देश में हमारा लड़ाई जो है देश के जो हमारे जो आला कमान जो बैठे हुए हैं और देश के जो है अडानी और अंबानी को दूर डाल दिए, CBI ED सब को अपने हाथ में ले गए, जितने भी राष्ट्रीय क्रंचीज थे उसको प्राइवेट कर रही है। जो हमारे जब कांग्रेस सरकार आया था तो उसने जो क्या किया, बैंक को राष्ट्रीयकरण किया था। इससे क्या फ़ायदा होता है, कोई भी चीज़ को राष्ट्रीयकरण करने से फ़ायदा होता है कि उसमें जो है वो सिर्फ सवाल रखते जा रहे हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी ने मेहनत किया था देश की कई चीज़ को सरकारी किया था उसको प्राइवेट कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, इससे क्या हुआ, लोगों को था लोगों को समझाए कि देखिए ना करें इससे किसी नुकसान, तो लोग समझते और ऐसा लग रहा है कि क्या आपको उम्मीद है कि क्या इस बार राज्य का माहौल बदलेगा, क्या कांग्रेस बिल्कुल आएगी। युवाओं से लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, लोगों का सोच बदला है, जिस तरह से उनके पिता थे उनकी बेटी भी वैसी है, थोड़ा सा कम नहीं है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।